हेलो, नमस्कार। रसोई वीडियोज में आपका स्वागत है। तो आज हम बना रहे हैं दूध के पेड़े। तो दूध के पेड़े बनाने के लिए मैंने 1 लीटर दूध लिया है। तो गैस पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, उसमें मैं 1 लीटर ये फुल क्रीम वाला दूध डालूंगी। तो आज हम बनाएंगे दूध के पेड़े। ये खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होते हैं और बन भी बहुत जल्दी जाते हैं। तो मैंने ये दूध कढ़ाई में डाल दिया है और गैस ऑन कर दी है। तो दूध को अब हमें उबलने देना है और इसे किनारों पे नहीं लगने देना है। तो अभी दूध अभी गर्म, तो दूध हमारा उबलना स्टार्ट हो चुका है। हमें इसे उबाल लेना है और नीचे तलवे पे लगने नहीं देना है। तो और तलों पे भी नहीं, और किनारे भी हमें इसके अच्छे से निकाल देने हैं ताकि इसमें मलाई ना जमे। तो ये अच्छे से हमें घुमाते रहना है थोड़ी थोड़ी देर में, बार बार। अगर हम इसे चलाते रहेंगे तो पेड़े बड़े सॉफ्ट बनेंगे, और अगर नीचे लग रहा है तो इसे हम अच्छे से निकाल लेंगे नीचे से। दूध को हमें इसमें गाढ़ा करना है, तो हमने फुल फ्लेम पे ही दूध को चढ़ा रखा है। तो दूध हमारा अभी ये थोड़ा कम हो चुका है, थोड़ा ये गाढ़ा हो गया है। तो हमें इसे ऐसे ही बस चलाते जाना है, नीचे नहीं लगने देना है। अभी हमें इसे और गाढ़ा, तो दूध हमारा ये आधा हो चुका है, इसे हमें अभी और गाढ़ा करना है। तो हम इसे और पकाएंगे। दूध हमारा अब गाढ़ा हो चुका है, तो हम इसमें थोड़ा सा मिल्क पाउडर ऐड कर देंगे। इससे पेड़े और भी अच्छे स्वादिष्ट बन जाएंगे। तो ये हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। मैंने 2-3 चम्मच ले रखा है, गांठ नहीं पड़नी चाहिए, अच्छे से हमें मिक्स करना है। गैस थोड़ा मीडियम कर दूंगी ताकि इसमें गुठलियां ना बने। अगर आपको गुठली दिख रही तो आप इसको ऐसे गुठलियों को फोड़ सकते हो। थोड़ा गाढ़ा हो चुका है, अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। तो मैंने 100 ग्राम करीब मैंने इसमें चीनी ले ली है। तो चीनी को अच्छी तरह इसमें मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा इलायची पाउडर ले लिया है, इलायची पाउडर से टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। तो थोड़ा सा मैंने इसमें इलायची पाउडर भी डाल दिया है। अब हमें अच्छे से इसको मिक्स करना है। गैस मैंने अभी मीडियम पे रखी है, अभी हमें इसे और पकाना है। तो ये तब तक पकाएंगे जब तक हमारे इससे आसानी से पेड़े न बन जाए। तो हमें इसे और पकाएंगे थोड़ा सा। तो ये थोड़ा सा अभी गाढ़ा हो चुका है, तो मैं इसे चेक करने के लिए थोड़ा एक कटोरी में पानी लूँगी। तो पानी में इसको डाल के थोड़ा सा देखूँगी, अगर ये अच्छे से जमने लग जाएगा तो मैं गैस बंद कर दूंगी। अभी इसे चेक करते हैं, बॉल बननी शुरू हो गई है। तो अभी हो चुका है, और गैस से इसने तेल छोड़ना भी शुरू कर दिया है। ये तो पेड़े के लिए ये तैयार है, और गैस मैं बंद कर दूंगी अब। तो कढ़ाई हमारी अभी गर्म है, तो हम इसे पलट के दूसरे बर्तन पर रख देंगे ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए, फिर हम इसके पेड़े बनाना शुरू करेंगे। तो मैं इसको सारा पलट के निकाल देती हूँ, थोड़ी देर में आपको दिखाती हूँ। हमारा अभी ठंडा हो चुका है, तो हम इसके पेड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा थोड़ा सा लेंगे हम और इसके पेड़े बनाना शुरू करते हैं। इस प्रकार से हम सारे पेड़े अपने बना देंगे। तो सारे पेड़े मेरे बन के तैयार हो चुके हैं। तो गार्निशिंग के लिए मैं थोड़ा सा पिस्ता इसमें लगा दूंगी। तो 1 लीटर दूध से इतने सारे हमारे पेड़े बनके तैयार हो गए हैं। तो ये घर के बने हुए पेड़े हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं। इस प्रकार आप भी घर पे पेड़े आराम से बना सकते हैं। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।